सर 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 थोड़ा सा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। क्या आरसीपी सिंह जेडीयू से एक बार फिर से राज्यसभा जाएंगे? इस वक्त हम मौजूद हैं एक अनिमार यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास के ठीक बाहर, जहां पर अब से कुछ देर पहले आरसीपी सिंह जो कि केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं वो मिलने पहुंचे थे नीतीश कुमार से, और लगभग एक घंटे तक मुलाकात चली है। अंदर में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद थे और आरसीपी सिंह की मुलाकात हुई है लगभग एक घंटे तक। क्या वो फिर से राज्यसभा जाएंगे? देखिए, बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव होना है। इस वक्त रात के 8 बज चुके हैं और नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे थे आरसीपी सिंह, केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं। क्या फिर से राज्यसभा जाएंगे? फिलहाल सियासी माहौल जो है वो गरमाया हुआ है। अंदर में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मौजूद थे और तस्वीर देखिए, कुछ देर पहले आरसीपी सिंह निकले हैं अलग गाड़ी में। आरसीपी सिंह मुलाकात करके बाहर निकल रहे हैं, उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बाहर निकले हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह उनके साथ थे, क्योंकि नीतीश कुमार को एक वैवाहिक कार्यक्रम में शिरकत करने जाना था। उसके ठीक 5 मिनट बाद ही नीतीश कुमार निकलते हैं आरसीपी सिंह अलग गाड़ी में। क्या बातें बन पाई हैं, क्या बातें हो पाई हैं, क्योंकि 31 मई आखिरी तारीख है, नामांकन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो फिलहाल तमाम निगाहें जो है हमारी बनी हुई हैं जेडीयू की ओर। जेडीयू में क्या सब कुछ ठीक है ये देखना होगा, क्योंकि देखिए आरसीपी सिंह जब मुलाकात करने पहुंचे थे तो लगभग एक घंटे तक अंदर मुलाकात हुई है। शाम 7 बजे ही वो मुलाकात करने पहुंचे थे, जिसके ठीक आधे घंटे के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह अंदर पहुंचे हैं। उसके बाद भी आधे घंटे मुलाकात हुई है, उसके बाद आरसीपी सिंह अकेले निकले हैं, वो अपने घर की ओर गए हैं। आरसीपी सिंह ने कुछ बोलने से मना कर दिया, हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की है, और उसके ठीक बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बाहर आना। आप समझ सकते हैं क्या आरसीपी सिंह वापस जेडीयू से ही राज्यसभा जा रहे हैं, क्योंकि अब कुछ दिन और बच गए हैं, और ऐसे में जेडीयू की रणनीति क्या होती है, जेडीयू की स्थिति क्या होती है, क्योंकि जेडीयू के तमाम नेता और जो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह वो क्या कुछ निर्णय लेते हैं, इस पर ध्यान देने वाली बात होगी। क्योंकि अगर सब कुछ जेडीयू में ठीक है तो वो भी पता चल पाएगा, लेकिन फिलहाल जैसी परिस्थितियां दिख रही हैं, जैसी तस्वीरें निकल के आ रही हैं, हम बार बार उन तस्वीरों को दिखाएंगे। आरसीपी सिंह अलग गाड़ी से निकल रहे हैं मुलाकात करके, उन्होंने खुद को नहीं रोका, उन्होंने रुककर हमसे बातचीत नहीं की है। नीतीश कुमार को भी एक वैवाहिक कार्यक्रम में शिरकत करने जाना था, ठीक 5 मिनट बाद वो भी निकलते हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह उनके साथ थे। तो तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, देखना ये होगा आरसीपी सिंह क्या दोबारा राज्यसभा जा रहे हैं जेडीयू से जा रहे हैं नहीं, आगे रणनीति क्या होगी, और उसके बाद फिर जेडीयू का माहौल कैसा होगा ये भी देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। सर 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 स